अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रशासनिक परिवर्तन 1772 से 1856 ईस्वी। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई पलासी और बक्सर युद्ध के बाद, और उसके बाद उन्हें लगा कि इसमें प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने का है कि अंग्रेज़ों से मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहाँ अंग्रेज या ब्रिटिश शासन से मतलब नहीं है, शासन का यहाँ कोई लेना देना नहीं था। ठीक इस तरह से आप समझें कि जैसे मान लीजिए भारत की टाटा कंपनी अगर जाए और श्रीलंका में या किसी दूसरे देश में और वहाँ युद्ध लड़े और जीते और फिर वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बनाए, भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे, कुछ इस तरह की व्यवस्था उस समय की थी। इसको पहले एकदम कन्फर्म रखें, यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा युद्ध लड़ा गया था और वह सारे अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। अब कंपनी के अधिकारी हैं, उनका काम था व्यापार करना, व्यापार से उन्हें फ़ायदा उठाना था, वे लाभ के लिए आए थे और यहाँ प्रशासन करने लगे, तो अब उनको लाभ अधिक मिले इसीलिए वह प्रशासन में शामिल हुए। तो उनके जो प्रशासनिक परिवर्तन है, यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि इसी से लेकर के चलते हैं कि उन्हें कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले। तो बंगाल में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई, उसके बाद यह धीरे धीरे परिवर्तन करना चालू किए। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर नियुक्त किया गया। अब ये गवर्नर समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ये मत समझिएगा कि भारत सरकार के गवर्नर, या जैसे आप भारत देखते हैं कि भारत में आरबीआई का गवर्नर, ऐसा नहीं। ये गवर्नर है ईस्ट इंडिया कंपनी का और भारत के लिए नियुक्त किया गया। अब इसके पहले क्लाइव द्वैध शासन किया था और द्वैध शासन में देखा था परिणाम अच्छे नहीं आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ कर्मचारी और भारतीय जो नायब दीवान थे, इन्होंने बहुत अधिक अत्याचार किया, घूस लिया, अपने जेब भरे, अपना धन कमाया। कंपनी के संचालकों को भी यह विश्वास हो चला कि कंपनी के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी अधिकार में रख लेते हैं, तो इसलिए कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। इस अब 1771 में जो संचालक समिति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, संचालक समिति ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो संचालक समिति बनाई गई थी, उसने बंगाल काउंसिल के अध्यक्ष को एक आदेश पारित किया। वह आदेश जो दिया गया 1771 ईस्वी में, उसमें था कि पहला तो यह है कि अब कंपनी स्वयं दीवानी का कार्य करे और राजस्व वसूली का कार्य कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किया जाए, यानी दीवानी और फौजदारी दो तरह की बातें थी। दीवानी का सारा कार्य अब कंपनी अपने हाथ में ले ले, वो नायब दीवान नियुक्त न करे और जो भी अब लाभ होगा अब सीधा सीधा
इनको स्वयं को मिलेगा। और निजामत का काम अभी, जिसे हम कहें निजामत या फौजदारी से मिलता जुलता, ये जो काम था अभी छोड़ दे। दूसरा ये कहा कि नायब दीवान और उनके अधीन जो काम करने वाले समस्त कर्मचारी हैं उनको हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और दोनों नायब दीवानों को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया जाए, जिससे नायब दीवानों द्वारा किए गए धन का जो अपहरण किया गया और घूस चोरी की गई, रिश्वत ली गई, उसका पता लगाया जा सके। यह आदेश कंपनी के संचालकों ने दिया। अब यह आदेश वारेन हेस्टिंग्स ने अपना पद ग्रहण करते ही लेके आया था। इसने सबसे पहले जो क्लाइव ने द्वैध शासन स्थापित किया था बंगाल में, उसको ख़त्म कर दिया, और जो दोनों नायब दीवान थे रजा खां और सितब राय, उनको हटा करके उनके ऊपर मुकदमा चला दिया गया। इन दोनों के विरुद्ध कोई अच्छा ठोस सबूत नहीं था, केवल दीवानी का कार्य अपने हाथ में लेना चाह रहे थे अंग्रेज, इसलिए अपने औचित्य को सिद्ध करना चाह रहे थे। यह मुकदमा चलाते हैं और दो वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद नायब दीवान रजा खां और सितब राय निर्दोष घोषित हो जाते हैं। लेकिन इससे यह हुआ कि दोनों नायब दीवानों की प्रतिष्ठा खत्म हो गई और अब कंपनी अपना प्रभाव बढ़ाने चालू कर दी। देखिए, यहाँ प्रतिष्ठा और प्रभाव का मतलब ये था कि अभी तक जो काम किया जा रहा था वो भारतीय कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था। अभी तक अंग्रेज सामने नहीं आ रहे थे भारतीयों के, वो डर रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि भारत के लोग विरोध कर दें और उसका नतीजा उल्टा हो जाए, इसलिए वे भारतीयों को रखे हुए थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने हाथ में लेने लगे। अब दीवानी के प्रबंध के साथ साथ दीवानी के न्याय का भी काम उनके ऊपर आ गया। स्वाभाविक रूप से न्याय और प्रबंध एक साथ ही चलता है। कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो सामान्य नागरिक और शिल्पियों पर शोषण किए, अत्याचार किए थे, जो पहले दूसरे करते थे अब ये करने लगे। अब एक को हटा करके दूसरे शोषक आ गए। जो संचालक समिति थी, इसने भी अपने कर्मचारियों के शोषण और अन्याय को स्वीकार किया। 10 अप्रैल 1771 के अपने पत्र में, इसलिए संचालकों ने बंगाल में न्याय व्यवस्था भी सुधारने का आदेश दिया। माना जाता है कि भारत में कंपनी के कर्मचारियों का लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमा करके इंग्लैंड को जाना होता था। वे अपना निजी व्यापार भी करते थे और कम ईस्ट इंडिया कंपनी का भी व्यापार करते थे। कुछ उन्हें कमीशन भी मिलता था इसका, और इन्हें भारतीय कर्मचारियों से, अधिकारियों से भेंट उपहार भी मिलता था और रिश्वत भी लेते थे। इस तरह एक तरह तो देखें तो कंपनी को दीवानी का उचित प्रबंध करना था अब, और दूसरी तरफ कर्मचारियों के निजी व्यापार और घूसखोरी को भी रोकना था। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक परिवर्तनों के उद्देश्य कंपनी को इन कार्यों के योग्य बनाना था।
अब कंपनी योग्य बने इसके लिए यह आदेश लागू करना था, जो 1771 में संचालक समिति द्वारा दिया गया था। अब इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंध संचालन, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, इनके द्वारा किया जाता था। संचालक समिति, प्रबंध संचालक समिति कंपनी की, कंपनी यानी बार बार याद रखें ईस्ट इंडिया कंपनी। इन संचालकों का जो चुनाव था कंपनी के हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था, और जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे, शेयर धारक थे उस समय, ये शेयर धारक थे, यही चुनाव करते थे। और जो वहाँ के इंग्लैंड की सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। अब 1765 में जब ये जीत लिए थे बक्सर का युद्ध, दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के कर्मचारी भारत में धनी बनकर जब इंग्लैंड लौटने लगे, तो वहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप होना चालू हुआ। अब इंग्लैंड में यह बात सामने आने लगी कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि चिंताजनक थी। ये पर्सनल, उस व्यक्तिगत रूप से जो उसके कर्मचारी थे उनके पास पैसे बहुत थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति तो ये हो गई थी कि यदि कंपनी के लिए जल्दी से जल्दी धन नहीं जुटाया गया तो कंपनी के अस्तित्व को ही खतरा हो सकता था। अब कंपनी की यहाँ बात आती है कि आखिर ऐसी क्या हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। इसके कुछ मूलभूत कारण थे, उसकी चर्चा जैसे मैंने किया था, कुछ और भी कारण हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगातार युद्ध किया, इनमें धन खर्च हुआ, लेकिन उससे उसे बहुत लाभ नहीं मिला। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार तो ले लिया, लेकिन कंपनी को जो राजस्व मिलना चाहिए था वह प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में ज़्यादा ध्यान देते थे, कंपनी के व्यापार की उपेक्षा करते थे, इससे भी कंपनी को लाभ नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोप्राइटर्स या हिस्सेदार जो थे, वे अपना लाभांश बढ़ाना आरंभ कर दिए थे, उनको लाभांश ज़रूर चाहिए था। 1766 में पहले यह 6% से बढ़ा के 10 कर दिया, और 67 में, एक साल बाद ही 1767 में 12.5% कर दिया। बाद में जब संसद ने हस्तक्षेप किया तब ये 10% पे फिर कर दिए, लेकिन फिर 1772 में इसे 12.5% कर दिए। उस ज़माने में 1767 की बात, 1772 की बात और 12.5% बहुत मायने रखता है। इसका एक अन्य कारण, पांचवा कारण हम कह सकते हैं कि कुछ सदस्य जो संसद के थे, उन्होंने कहा कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, इसलिए कंपनी को क्राउन के अधीन कर दिया जाए। अब कंपनी ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों को सुरक्षित करने के लिए 1 फरवरी 1767 ईस्वी से 4,00,000 पाउंड वार्षिक देना स्वीकार किया। यह समझौता पहले 2 वर्ष के लिए हुआ था, किंतु 67 के बाद 1769 ईस्वी में ये 5 साल के लिए कर दिया गया था।
अब कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करना ज़रूरी था, और ऐसे में इंग्लैंड सरकार से अपेक्षा रखते थे कि वह कंपनी को कुछ दे, किंतु कंपनी के जो संचालक थे उनको ये भी डर था कि सरकार से अगर हमने ऋण मांगा और कंपनी कहीं क्राउन या राजा के अधीन हो गया, इंग्लैंड के राजा के अधीन कर दिया गया, और इंग्लैंड के शेयर बाज़ार में शेयरों का दाम एकदम कहीं ख़त्म ना हो जाए, फिर भी इंग्लैंड की सरकार के पास 14 लाख पाउंड कर्ज लेने का एक निवेदन किया गया, और पत्र के संबंध में इंग्लैंड के जो विचारक थे उनमें प्रतिक्रिया आई। यह जो पत्र आया उस पत्र पर विचार किया गया, और विचार करके इसे दो समितियों को सौंपा गया, सेक्रेट समिति और सेलेक्ट समिति। इन दो समितियों के ने जो सुझाव दिया उनसे विधेयक तैयार हुआ। कौन कौन से समिति थे? सीक्रेट समिति और सेलेक्ट, सीक्रेट और सेलेक्ट समिति। पहले विधेयक, इनसे विधेयक जो बनाया गया उसमें विधेयक में जो 14 लाख पाउंड मांगा गया था कर्ज के रूप में उससे संबद्ध था, और दूसरे पर यह कि कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण रखने के लिए संचालक समिति और भारत में प्रशासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए। दूसरा यह भी, विधेयक को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, और इसे संसद ने 1773 ईस्वी में पास कर दिया, और पास होने के बाद 1774 से यह लागू हो जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ चालू हो जाता है, और इस एक्ट में जो मेन रूप से उद्देश्य बनाया गया, जिसके लिए यह एक्ट बनाया गया, वो 14 लाख पाउंड तो दिया ही गया। एक्ट का जो उद्देश्य था वो ये था कि कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण और अधिकार स्थापित हो जाए। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने जैसे बताया शुरू से, ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र रूप से शासन कर रही थी, युद्ध लड़ रही थी, व्यापार कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड के शासक उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। अब चाह रहे हैं कि स्वतंत्र ढंग से काम न करके बल्कि हमारा नियंत्रण हो, और कंपनी के जो संचालक समिति के संगठन हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन किया जाए। यानी एक तो उस पर नियंत्रण किया जाए और उसके संगठन में परिवर्तन किया जाए, तीसरा कंपनी के जो राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना है। ये तीन मेन उद्देश्य थे। यानी अगर साफ साफ देखें तो कंपनी पर एक तो नियंत्रण कर लें, नियंत्रण करने के बाद उसके संचालित करने के जो संगठन बने उसमें भी भागीदारी हो जाए, कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, और अभी तक कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, अब चूंकि राजनीतिक काम कर रही है तो कुछ ऐसा किया जाए कि इसको एक तरह से ट्रेनिंग हो जाए कि ये वहाँ जा कर के, भारत जा कर के, और अपने राजनीतिक कार्य भी कर सके। इन उद्देश्यों के लेकर के ही रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया गया था। आज इतना ही करेंगे, आगे अगले एपिसोड में हम फिर इसकी बातें और आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।